वैश्विक महामारी कोरोना से हमारा देश कठिन दौर से गुजर रहा है। शराब की बिक्री शुरू हो गई है। महिलाओं के मन में कई तरह के सवाल है। ये समस्त देशवासियों ने सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया और लॉकडाउन को सफल बनाया। लेकिन जब देश में कोरोना के मामले भारी संख्या में बढ़ रहे हैं, तब शराब की बिक्री चालू करके शराब की दुकानों पर सैकड़ों भीड़ एकत्रित हो रहे हैं, जिससे सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, जिससे कोरोना की संक्रमण अब और तेजी से बढ़ेगा। सरकार से अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। देखिए महिलाओं ने क्या कहा, झांसी से हमारे संवाददाता विक्रम पटेल के इस रिपोर्ट द्वारा। निरंजन है, मैं झांसी की निवासी हूँ। जहाँ शराब एक ओर तो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है, लेकिन ये इसका वन साइड इफेक्ट है। दूसरी तरफ देखें तो लाखों की संख्या में लोग शराब खरीदने जा रहे हैं और ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि यहाँ पर एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो लाखों की संख्या में कोरोना के मरीज बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ ही अपने परिवार को भी कोरोना पॉजिटिव कर देंगे। और जहाँ हमारे WHO ने भी कहा है कि कोरोना से सबसे ज़्यादा खतरा शराब पीने वालों को है। सरकार को लोगों की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर शराब की दुकानें खुल गई हैं, जहाँ पर लॉकडाउन सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया जा रहा है। हम लोग घर पर 50 दिन से लॉकडाउन में बंद हैं और उसका पालन कर रहे हैं। मंत्रालय खुले हुए हैं, देवालय बंद है। यहाँ दूध तो 5 बजे तक मिलता है और शराब 7 बजे तक मिल रही है। सरकार के पास कोई विजन नहीं। मेरा नाम अमिता पटेल, प्रिंसिपल ऑफ बर्ड्स एंड ब्लूम स्कूल गुरसरा से है। सोमवार से जो शराब की दुकान खुली है, इसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई है, ये बात बहुत ही शर्मनाक है। देश की अर्थव्यवस्था के बारे में तो नहीं पता, बट इस लॉकडाउन के समय हम मिडिल क्लास फैमिली की जो घर की अर्थव्यवस्था है, वो इस शराब के खुलने से ज़रूर ही खराब होगी। मेरा नाम रानी वशिष्ठ गुरसरा है, झांसी की निवासी मैं बोल रही हूँ कि आखिर सरकार क्या साबित करना चाहती है। सरकार को और कोई लॉकडाउन तोड़ने का तरीका नहीं। मंडी परेशान हो रही, किसान परेशान हो रहे हैं, घर परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। सरकार को आय का सिर्फ एक ही साधन दिखाई दिया कि वो सरकार शराब की दुकानें खोले। मैं संगीता कटियार उरई जनपद जालौन से। सरकार द्वारा शराब की बिक्री शुरू कर दी है, उससे अर्थव्यवस्था भले ही मजबूत हो, लेकिन जिस तरह से शराब की दुकानों पर फिजिकल डिस्टेंस के अनुपालन को तार तार कर दिया है, जिससे कोरोना जैसी महामारी को फैलाने में मददगार साबित हो रही है। घर परिवार की अर्थव्यवस्था चौपट है। ऐसे संकट में शराब के लती लोग शराब पीकर सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक नुकसान को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरी सरकार से अनुरोध है कि इस पर रोक लगानी चाहिए। मैं प्रेरणा चौरसिया गुरसराय। मुझे समझ नहीं आ रहा है शराब की दुकानें खोलकर सरकार साबित क्या करना चाह रही है। अगर किसान अपने खेतों पर फसल काटने जाता है तो वहाँ कोरोना फैलेगा। जिस तरह से दुकान पे भीड़ लगी हुई है, वहाँ क्या एंटीडोट तैयार किया जा रहा है या वहाँ पर अमृत बरस रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। सरकार को शराब की दुकानें बंद करनी चाहिए। नमस्ते, मैं रेखा रायवासोस फाउंडेशन की स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं हैरान हूँ कि जहाँ पर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन में सब कुछ बंद कर रखा है, वहाँ पे सरकार ने वाइन शॉप्स और शराब के ठेके खोल रखे हैं, जहाँ पे गरीब लोग और आम जनता एक टाइम के राशन के लिए परेशान है, वहाँ पे शराब के ठेके खोले जाने से घरों में घरेलू हिंसा बढ़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल उठता है सोशल डिस्टेंस का। सोशल डिस्टेंस ना मेंटेन होने के कारण कोरोना महामारी सबसे ज़्यादा फैलने का चांस है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने परिवार की व अपनी स्वयं रक्षा करें घर में रहकर।